या जितने बेटे हैं उतने परम भाग्यशाली है कि तुम्हारे सामने राम मंदिर बन रहा है और तुम उस राम मंदिर को देख सकोगी। ये तो हमारे महान योद्धाओं ने, हमारे अनेक वीरों ने, हमारे अनेक कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तब राम मंदिर 2021 से राम मंदिर की प्रोसेस शुरू हुई तो 2024 तक राम मंदिर बनकर शुरू हो गया। ये बीजेपी सरकार का कमाल है, ये मोदी जी का कमाल है। 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र है, 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र है, उसी प्रकार भारत का राजा नरेंद्र है। और जब तक ये योगी जी है, जब तक ये मोदी जी है, तब तक हिंदू धर्म को खतरे में लाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। हम करते कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, पहले तुम हिंदू बनो, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। तुम उस पार्टी का चुनाव करो जिस पार्टी ने हिंदुत्व को आगे लाया है, तुम उनका चुनाव करो जो तुम्हारे साथ तुम्हारे सुख दुख में और तुम्हारे धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। इसलिए राम मंदिर हमारे लिए एक सपना था। आज की पीढ़ी परम भाग्यशाली है कि आज की यह पीढ़ी राम मंदिर की साक्षी बनेगी। और मेरे राघवेंद्र सरकार आने वाले 22 तारीख को 2024 में, आने वाली 22 जनवरी को 2024 में मेरे राघवेंद्र सरकार अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित हो गए। आजकल आज तक मेरे राघवेंद्र सरकार एक फटे हुए पंडाल में रह रहे थे। हम जब भी अयोध्या जाते थे तो देखते थे कि मेरे राघवेंद्र सरकार एक फटे हुए पंडाल में बैठे हैं, बहुत बुरा लगता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ योगी जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी को कि उन्होंने हमारे देश के लिए राम मंदिर का यह सपना हमारे हिंदुस्तान वासियों का पूरा किया है। और सही बात बोलू, ये 2014 तक तुम हम और आप में एकता नहीं थी। येणाऱ्या 22 जानेवारीला 2024 मध्ये माझे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्येला त्यांच्या महलामध्ये प्राण प्रतिष्ठित होणार आहे। म्हणून येणाऱ्या 22 तारखेला, येणाऱ्या 22 जानेवारीला आपण सर्वांनी आपल्या घरी दिवे लावायचे, दारात रांगोळ्या काढायचे, आपल्या बिल्डिंग्स वरती लाइटिंग्स टाकायचे। आणि जशी आपण दिवाळी साजरी करतो तशी दिवाळी आपल्याला साजरी करायची आहे। कोण कोण करणार वरती याद करा, बरं काढस कराल तुम्ही, आडस नाही करणार ना, करणार। और आने वाली 22 तारीख को एक ही नारा गुजेगा, अरे हर घर में अब ये कही नाम, हर घर में अब ये कही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम गाएगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब ये कही नाम, हर घर में अब ये कही नाम, ये कही नारा गूंजेगा, जय श्री राम, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय हो।
यह दमाना हिंदुओं को मिटा देना चाहता है, यह दमाना हिंदुओं को मिटा देना चाहता है। लेकिन जमाने में वो दम नहीं, क्योंकि जमाना हमसे पैदा हुआ है, हम जमाने से नहीं। जय हो। इसलिए हिंदू की अस्मिता, हिंदू की संस्कृति यदि सुरक्षित रखना है तो हमें भारत माता के सपूतों को चुनना पड़ेगा। अब आप कहोगे महाराज आप बीजेपी के प्रचारक हो क्या? हाँ है, किसी के बाप का डर थोड़ी है, हमें है बीजेपी के प्रचारक है। जो पार्टी हिंदुत्व का काम करेगी हम उसके साथ है। ये तो बहुत छोटी कथा है, हमारी तो ऐसी बड़ी बड़ी हजारों लोग हमारे कथा में बैठते हैं और उसे डंके की चोट पर वहां पे भी हम कहते हैं हम पर 33 तुमच्याकडे गुन्हे म्हणतात का, माझ्यावरती 33 गुन्हे दाखल आहे हिंदुत्वावर बोलण्याबद्दल, असू द्या। हमारा हम जब घर से निकलते हैं तो हमारे घर वाले पूछते हैं आप जा रहे हो जरा ठीक से रहना बाहर, आप बहुत सनकी हो। मैंने बोला सनकी है तो फिर देश के लिए है, आएंगे तो तुम्हारे और उधर कुछ हो जाएगा तो हमारे देश के। तो ये बात है कि हिंदुत्व को समझो, हिंदुत्व की धरा को समझो, हिंदुत्व की संस्कृति को समझो। और हमें हमारे बेटों को यदि हिंदुत्व समझाना है मेरी माताओं, तो अपने बेटों को कहो कि कथा और कीर्तन में आओ, ना कि बैंड के बाजे में नाचने के लिए जाओ। बच्चे इतने बिगड़ गए हैं, इतने बिगड़ गए हैं कि उन्हें कथा और कीर्तन से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई तमाशा होगा, कोई ऑर्केस्ट्रा होगा, जहां पर दुर्व्यवहार होगा, कोई पार्टी होगी, कोई शार्की होगी, तो वहां जरूर जाएंगे, डीजे बजेगी तो वहां जरूर जाएंगे, लेकिन कथा और कीर्तन में आने के लिए उन्हें शर्म लगती है। अरे कब तक शर्माओगे, हमारा हिंदू धर्म हमें संभालना है। इसलिए आने वाली 22 तारीख को, अरे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे, राम को लाए माया में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, में फिर से हम भगवान लहराएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भगवान लहराएंगे।
सजाती है, अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है, अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है, अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है, मेरे राम कृपा कर दो, राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाए राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से और जोर से। तो हमें क्या करना है, जो हमारे राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, भारत में फिर से हम, भगवान लहराएंगे। अयोध्या भी सजाई है, काशी भी सजाई है, अयोध्या भी सजाई है, काशी भी सजाई है, मेरे राम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, मथुरा भी सजाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, भारत में फिर से हम, भगवान लहराएंगे। तो कौन कौन चाहता है कि भारत में केवल भगवान ही रहे, कौन कौन चाहता है केवल भारत में भगवान ही रहे, बहुत से लोग भगवा को मिटाना चाहते हैं, बहुत से लोग मेरे भगवे ध्वज को मिटाना चाहते हैं, मेरे हिंदुस्तान की अस्मिता को मिटाना चाहते हैं, बहुत से लोग भगवा को मिटाना चाहते हैं, लेकिन भगवा को मिटाने वालों, तुम्हारे बाप में यदि दम होगा तो पहले सूरज को मिटा के दिखाओ, क्योंकि सूरज में भी मेरा भगवा बसता है। तुम्ही सूर्य उगवताना पाहिलंय का कसा दिसतो, बरं बुडताना बघितलाय का कसा दिसतो, भगवा का हिरवा भगवा। तो भगवा को मिटाने वालों पहले सूरज को मिटा के देखो, क्योंकि सूरज में भी मेरा भगवा बसता है। इसलिए आने वाली 22 तारीख के दिन, 22 जनवरी के दिन हमें दीपावली मनाना है। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, गाएंगे आगे गाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, मीठे मीठे बेर हाथों से खिलाऊंगे, मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे।